दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सभी मेरे दो नए दोस्त दुर्गा और नीरज भाई के साथ कांकेर में स्थित एक नए जलप्रपात चर्रे मर्रे जलप्रपात पर आए हैं। चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर से 100 किलोमीटर की दूरी पर और भानुप्रतापपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर है, तो चलिए मजे करते हैं। अंतागढ़ से 17 किलोमीटर दूरी पर आमाबेरा रोड पर स्थित चर्रे मर्रे जलप्रपात है। चर्रे मर्रे जलप्रपात जाते समय 5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हमें थोड़ा सा खराब मिलेगा। भानु प्रताप से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों हम नीचे जाएंगे तो हमें लगभग 400 सीढ़ी का सफ़र तय करना है। सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तभी आपको पास में भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग के दर्शन होंगे और प्राकृतिक नज़ारे मनमोहक दृश्य आपको। जब भी जैसा कि आप सभी दोस्तों यहां पानी देख सकते हैं, लहरों को लहरों से आप पानी के बहाव का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों मर्रे जलप्रपात आमाबेरा रोड पर मलाज घाटी के पास स्थित है। चर्रे मर्रे जलप्रपात जोगी नदी पर बना हुआ एक झरना है। यह जोगी नदी आगे जाके कुर्ती नदी में मिल जाती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों इस झरने की जो ऊंचाई है वह 50 फीट मानी जाती है और साथ ही यह झरना उत्तरी बस्तर कांकेर का बहुत ही बड़ा झरना है। मनोरंजन पिकनिक के लिए यह बहुत ही आदर्श जगह है। चर्रे मर्रे जलप्रपात जोगी नदी पर स्थित है। यह जो झरना है यह टेढ़ा मेढ़ा झरना है। जब भी आप कभी समय निकालें अक्टूबर से लेकर जनवरी का जो समय होता है वह चर्रे मर्रे जलप्रपात आने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है। जब भी आप आएँ कांकेर तो भानुप्रतापपुर होते हुए आप चर्रे मर्रे जलप्रपात आ सकते हैं। पिकनिक के लिए मनोरंजन के लिए आप इस जगह आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप जब कभी भी कांकेर आएँ तो अंतागढ़ के पास स्थित चर्रे मर्रे जलप्रपात का लुत्फ़ जरूर उठाएं। धन्यवाद।